टूटे शीशे जो छेड़ो ना के मन मर जाए। आंसुओं को बहने से ये भिजवाने हैं गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 D200 में, ओके ठीक है। और ये वाला टू मिस्टर अली तुराब जी, हमदानी ट्रेडर। तो वो तुम्हारे ख्वाब में आके ये कह रहे थे कि मैं ऑफिस जाऊं, तुम दोनों फिजूल बातें करके मेरा बहुत टाइम वेस्ट करते हो, और स्पेशली सुबह। रसमिया बीबी ये दरवाजे पे देखेगा, लगता है आज भाईजान और भाभी को मेरी बर्थडे याद रह गई। दिखाए समिया, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। लव अली तो रात What? पड़े पड़े What? जैसे समय आई अभी तक बॉस ने, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा कर कैसे सकते हैं। उन्हें तो बड़ी एलर्जी है ना औरतों से। जाओ वो लेकर आओ फूल, अभी जाकर उनके मुंह पे मारूंगी मैं सारे के सारे फूल। अम्मा अम्मा इतने प्यारे फूल हैं और काफी महंगे भी हैं। आई मीन कितने महंगे लग रहे हैं ना, ऐसा करे फेंके नहीं, मैं अपने कमरे में लगा लेती हूँ, मुझे तो वैसे ही फूल पसंद है। ये कार्ड मुझे दो, ये भी तो देखूं मैं, ये लेकर आओ मेरी गाड़ी में। मेरा आइडियल आप जैसी खातून हरगिज़ नहीं है। माफ कीजिएगा सर, मेरा आइडियल भी आप जैसा मर्द नहीं हो सकता, बल्कि मेरी जिंदगी में किसी मर्द की कोई गुंजाइश नहीं। मैं अपने मरहूम शोहर के नाम पर अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजार सकती हूँ। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। मैम, सिर्फ मुझे बुलाया गया? सिर्फ मुझे? इतनी माकूल औरत और इतनी घटिया और नामाकूल हरकत, क्या होता जा रहा है इन लोगों को? कहां गई वो हयादार औरतें जो ऐसा खत लिखने से पहले खुद को फंदा लगा लेती थी? तो मुझे औरतों से और भी नफरत होती जा रही है, शदीद नफरत। आइए आइए आइए, आप ही का इंतजार था, आप ही के बारे में सोच रहा था मैं। सॉरी सर, मैं जानती हूं कि मैं आधा घंटा लेट हूं। आपने सोचा होगा
कि आपका ये अमल देखकर मैं बाकी बॉसेस की तरह खुश हो जाऊंगा, आपको कुछ नहीं कहूंगा। आप कुछ कहते कब हैं? आप तो कर गुजरते हैं। मिसेस सम्या, आपको इतनी सी भी एम्बैरेसमेंट नहीं हुई कि आप ये बुके उठाकर पूरे दफ्तर में फिरती हुई मेरे कमरे तक आ रही? मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो अपने साथ होने वाली हरकतों को महज इसलिए छुपा लेती हैं कि दुनिया क्या कहेगी। मैं एक बहादुर औरत हूँ। इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि आप एक बहादुर औरत हैं। आपकी बहादुरी का सबूत तो मैं देख ही रहा हूँ। अगर आपको मेरी बहादुरी पे यकीन होता तो ये बुके मेरे हाथ में नहीं होता। मेरा आइडियल आप जैसी खातून हरगिज नहीं है। माफ कीजिएगा सर, मेरा आइडियल भी आप जैसा मर्द नहीं हो सकता, बल्कि मेरी जिंदगी में किसी मर्द की कोई गुंजाइश नहीं। मैं अपने मरहूम शोहर के नाम पर अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजार सकती हूँ। ओह रियली? लेकिन ट्राई करने से बाज आप फिर भी नहीं आई। मैं अली तुराब हमदानी, जिसे औरतों से वैसे ही नफरत है, किसी की बर्थडे पर अकेला चला जाएगा? नॉनसेंस। लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि फिलहाल मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है, और अगर हुआ भी तो मैं किसी शरीफ और बाहया लड़की से शादी करूंगा। सुना आपने? क्या मतलब है आपका? मैं हयादार नहीं हूँ। हरकत तो आपने हयादारों वाली कोई नहीं की। क्या हरकत की है मैंने? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नहीं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये क्या है? आपका दावतनामा। लेकिन ये खूब है कि जहां पकड़े गए मुकर जाओ वहां पर। वाह वाह वाह, आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपका दिमाग तो कमाल का साजिशी है। आपकी तो प्रमोशन होनी चाहिए, आपको तो सीईओ की कुर्सी पर बैठना चाहिए। सिंगल मर्द देखा नहीं और लगे डोरे डालने। ये बुके आपने नहीं भेजा? जी नहीं। और ये कार्ड? बिल्कुल भी नहीं। आई एम सॉरी सर, ये दोनों राइटिंग्स एक जैसी है। किसी ने हम दोनों को एक साथ बेवकूफ बनाया है। मुझे अम्मू का ख्याल रखना।
गई है मूवीज पर लेकर के। हम तीनों मरी भी घूमने गए लेकिन वो फिर भी खुश नहीं होती। पापा शायद आप ठीक कहते थे, हमको यकीन है एक नए हम सफर की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि हमें गैर जरूरी बातों से गुरेज करना चाहिए। वो क्या नाम है आपकी बेटी का, नौरीन, बुलाइए ना उसे। जी जी मिसबा, सर आप नौरीन को बुलाओ। जी हाँ, नौरीन आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ ना बेटा बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। औरतों में से नहीं हूं जो अपने साथ होने वाली हरकतों को महज इसलिए छुपा लेती हैं कि दुनिया क्या कहेगी। मैं एक बहादुर औरत हूं। नौरीन बेटा चाय तो दो मेहमानों को। जी अम्मा। सुनिए, मेरी एक डिवोर्स हो चुकी है। अम्मी और भाभी ये बात आपसे छुपाना चाहती हैं, मगर मैं नहीं। अम्मी अब्बू ने जबरदस्ती मेरी डिवोर्स करवाई है। मैं तो अभी भी अपने शौहर को बहुत चाहती हूँ। आप ही चाय पीजिए ना। घटिया आदमी का सामना कैसे कर सकते हैं? मुझे रिजाइन दे देना चाहिए फौरन से बेशतर। अपने आप को प्रिंस चार्ल्स समझते हैं खबीस। दो मिनट में मेरी सालों की इज्जत मिट्टी में मिला दी। औरतों से कोई ऐसे बात करता है भला?
हूँ वो अब हम तो बस आपको खुश देखना चाहते थे। अम्मू ये सारा आइडिया ये कश्माला का आइडिया था सब ना? मेरा आइडिया था सब। अच्छा तो इन्हें बताओ बताओ कार्ड किसे चूज किया था? तुमने चूज किया था ना, बताओ। और वो जो बुके था उसके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा आप मुझ पे ब्लेम करोगी सारी बात? जा शराब, तुम लोग पागल ही नहीं बेवकूफ भी हो। इसका अंदाजा मुझे आज हुआ जब मेरी बरसों की इज्जत को तुम लोगों ने मट्टी में मिला दिया। और तुम क्या समझती थी तुम कि कार्ड एक्सचेंज करके मेरी अली तराब से शादी करवा दोगी? लोग वैसे नहीं होते जैसा हम उन्हें समझते। मेरी जान, जिंदगी वैसे नहीं गुजरती जैसे हमने सोची होती है, और ना ही हमें ऐसे लोग मिलते हैं जैसे हमें पसंद होते हैं, जैसे आपके बाबा और जैसा ये अली तराब। खपती है ये इंसान, साइकोपैथ है ये, और इसकी बहन दोनों के दोनों खपती हैं। पूरा ऑफिस जानता है इनके बारे में। आइंदा नहीं रुका। सॉरी अम्मा। सॉरी अम्मा, आइंदा नहीं करेंगे हम लोग। प्लीज अल्लाह अल्लाह करके हमें एक लड़की पसंद आई थी, वो क्या नाम था उसका, नौरीन, नौरीन। लेकिन उसके करतूत तो देखो, खुन्नी कहीं की। और हमें क्या जरूरत थी कि मखमल में टाट का पेवन लगाएं? और उसकी माँ उससे भी ज्यादा झूठी, झूठ पे झूठ बोले चली जा रही है कि उसकी बच्ची कुंवारी है। भला बताओ, घर में तलाक जैसी मकरूह बात हुई हुई है और कोई इसका जिक्र ही नहीं कर रहा है। जाने भी दी बाजी, तलाक याफ्ता औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती क्या? बिल्कुल भी नहीं। हमें देखिए, हम 25 साल से तनहा जिंदगी गुजार रहे हैं कि नहीं? तलाक याफ्ता औरतों को मर्द के नाम पर अगर नहीं तो उसकी यादों के सहारे सारी जिंदगी गुजार देनी चाहिए। अब देखिए, हमें आपके लिए कोई दूसरी लड़की तलाश करनी पड़ेगी ना। अब अली तुराब, ध्यान कहाँ है आपका? हम आपसे बात कर रहे हैं और आप टाल मटोल किए जा रहे हैं, हूँ हाँ कर रहे हैं। क्या बात है, तबीयत ठीक है आपकी? जी बिल्कुल ठीक है, मैं आप ही की सुन रहा हूँ, आप ही की सुन रहा हूँ बाजी। मैं अभी अपना रेजिग्नेशन ही टाइप कर रही थी आपको मेल करने के लिए। I'm sorry और थैंक यू सब बातों के लिए। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। यानी नीम पागल? नीम पागल क्या, बस पूरा ही पागल समझो। अच्छा, लगते तो बहुत हैंडसम है, बहुत स्मार्ट से हैं। हैंडसम है या पागल मुझे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी मैं कल सुबह ही, बल्कि नहीं, मैं अभी अपना रेजिग्नेशन उनको मेल करने वाली हूँ। 12 बजने वाले हैं, तुम दोनों उठो और सोने के लिए जाओ, चलो। लेकिन आप इतनी हाईली पेड जॉब छोड़ देंगी? हाँ, तो ढूंढ लूंगी कोई और जॉब, क्या फर्क पड़ता है। बॉस की कॉल इस वक्त, लेनी तो पड़ेगी। एक्स बॉस, बॉस नहीं। यस सर।
हैप्पी बर्थडे सामिया। टाइम देखें 11:59। मैंने सोचा कि इससे पहले कि 12 बजे मैं एक अच्छे कलीग होने की हैसियत से आपको बर्थडे विश कर लूं। बस इतनी सी बात थी। थैंक यू सर। आई एम सॉरी, दरअसल कुछ गलत फहमी हो गई थी बच्चों को। रियली? अब ऐसी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझसे भी तो शेयर करें। नहीं, हमारा पर्सनल मैटर है, मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकती। थैंक यू सर। मैं अभी अपना रेजिग्नेशन ही टाइप कर रही थी आपको मेल करने के लिए। आई एम सॉरी और थैंक यू सब बातों के लिए। मेरे हमदानी में 6 साल बहुत यादगार गुजरे। काफी लेट हो गया है। शब खैर। अम्मू, एक बार फिर सोच लें। कुछ देर पहले मैंने तुम दोनों से क्या कहा था? आउट। अभी अपना रेजिग्नेशन ही टाइप कर रही थी आपको मेल करने के लिए। इट्स ओके। हो गई है तो लगता है कि उसके बगैर हमदानी ट्रेडर्स का दिवालिया हो जाएगा। अच्छा, कुछ बिजनेस का प्रॉब्लम है, ये चीज मुझे परेशान कर रही है। कर दे रिजाइन, बहुत उम्मीदवार हैं इस पोस्ट के लिए। ऐसी की तरसी। अली तुराब जी, बाजी क्या बात है, आज आप नाश्ते के लिए पूरे 12 मिनट लेट हैं। जी जी। और ये क्या हुलिया बनाया हुआ आपने? आपकी जामा जेबी की तो पूरे खानदान में शोहरत है। जी चलिए। आप ही नहीं, कल रात तो हम भी काफी देर तक जागते रहे। हमारी तो अकल दंग है। गजब खुदा का, आजकल की लड़कियों में न हया रही न वफा। जिसे देखो चेहरे पर नकली चेहरे लगाए, झूठ के पुलंदे लिए आपसे रिश्ता लगाने की आस में बैठा हुआ।
ऐसा नहीं है बाजी। अरे अभी तो सिर्फ तलाक का भांडा फूटा है, अल्लाह जाने बच्चे भी हो उसके। नहीं, हम आपके लिए 100% कुंवारी लड़की तलाश करके ही रहेंगे, जिसके कोई आगे हो ना पीछे। बस आप कल ही इश्तिहार दीजिए अखबार। अच्छी, आप ये बात क्यों नहीं समझ लेती कि अच्छी फैमिलीज के रिश्ते यूं अखबारों में इश्तिहार देने से नहीं आते हैं। अच्छी फैमिली की लड़की जान दे देगी लेकिन आन नहीं देगी। प्लीज बंद करें ये इश्तिहारबाजी। अगर रिश्ते इस तरह से नहीं होते तो आपका क्या ख्याल है, कोई शरीफ लड़की खुद चलती हुई इस कोठी में आ जाएगी आपके लिए? जैसे आपका दिल चाहे वैसे कीजिए। अरे नाश्ता तो कर ले। कुछ पहले ही ऑफिस से बहुत देर हो रही है, ऑफिस जाके कर लूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुलनार, गुलनार कहाँ मर गई? लो भाई, हो गई छुट्टी। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई, लगता है कल रात सरतुराब की बात बन गई है। टाइम देख लो, पूरे 9:15 हो चुके हैं और बॉस अब तक नहीं आए। लगता है रात भर दुल्हन के ख्वाब देखते रहे होंगे। वैसे मुझे मैम समिया भी दिख नहीं रही, उन्होंने कल सर को फूल भी दिया। मुझे तो ठीक ठाक दाल में कुछ काला लग रहा है। वो वैसी लगती तो नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। तुम्हारे अंदाजे ना 100% गलत। सर का चेहरा देखा कितना डल है, बिल्कुल कल रात के बासी पिज्जा की तरह। हाँ यार, कह तो तुम ठीक रही हो। देखा तुमने, बिल्कुल मुरझाया फूल लग रहे थे। चल यार, बहुत काम है। सॉरी सर, वो ऑफिस साफ की थी, फूल उठाना भूल गया, फेंक देता हूं। नहीं, तुम पानी लेकर आओ, मैं खुद इन्हें आवाज में लगाऊंगा। वो मिस नाजिश, मैं पानी लेके आता हूं। और थैंक यू सब बातों के लिए। मेरे हमदानी में 6 साल बहुत यादगार गुजरे। आई मिसेस समिया औरंगजेब हेयरबाय रिजाइन फ्रॉम माय जॉब ड्यू टू। अम्मू, डरा दिया तुमने यार। अम्मू छोड़ देना, रात गई बात गई, पर आप अंकल सॉरी बोल तो दिया है। सॉरी हाँ, लेकिन इतनी बेइज्जती के बाद मेरा वहां जॉब करना मुनासिब नहीं, और वैसे भी मैं किसी ऐसे इंसान के साथ काम नहीं कर सकती जो औरत को पैर की जूती समझता हो। अम्मू प्लीज प्लीज जाने दें इस बात। देखिए हमारी बेवकूफी की वजह से इतनी अच्छी जॉब को तो रिजाइन ना दें प्लीज। अच्छा अम्मू बात सुने ना, अम्मू भले आप तो और आप अंकल से शादी ना करें लेकिन रिजाइन तो ना करें यार, ना करें। हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे, बाकी आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी।
रशानी भागो 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 भागो। ये क्या हरकत है? अम्मू देखे ना, इस तरह से हम गरीब हो सकते हैं। हम लोगों की फीस, मेरी चॉकलेट्स, मेरी आइसक्रीम, डिजाइनर ड्रेसेस, मेकअप, 10,000 चीजें, ये सब कैसे पॉसिबल होगा? और हम खाएंगे कहाँ से? भूखा मारेंगे क्या? और वैसे भी बिजली का बिल है, गैस का बिल है, वाईफाई का बिल है, और मैं इतने सारे केले खाती हूँ, रोज डजन 200 रुपए के आते, कैसे होगा? सब कैसे मैनेज होगा? नहीं हो सकता। केले? ये तुम्हारा मसला नहीं है, मेरा लैपटॉप अभी वापस करो। पहले प्रॉमिस करें कि आप रिजाइन नहीं करेंगी। हाँ, मैंने कहा ना, ये तुम दोनों का मसला नहीं है। मैं तुम्हें अभी सही कह रही है, आप भी तो गलत कह रही है। ये बहुत गलत हो रहा है। तुम क्यों रुकी? भागो 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 भागो। अब ये मामला छोटी मोटी बातों के बजाय मेरी प्रेस्टीज का है। उस आदमी ने 2 मिनट में मेरी सालों की इज्जत को 2 कौड़ी का कर दिया। कितना हल्का फुल्का महसूस कर रही हूं मैं। शुक्र है अब उस जहरीले और जल्लाद आदमी से निजात मिलेगी। मुझे तो लगता था कि उसके दिल में धड़कन के बजाय घड़ी की सुई टिक 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 करती रहती होगी। अब मैं आराम से अच्छा सा शावर लूंगी और फ्रेश हो जाऊंगी। बल्कि एक काम करो, तुम दोनों भी फ्रेश हो जाओ, फिर हम तीनों मिलके अच्छा सा लंच करेंगे। डन डन। थैंक यू। वैसे समी ऑफिस आ गई होंगी, उन्हें मेरे पास भेजना जरा। सर वो तो नहीं आई, मैंने भी चेक किया था। हाँ लेकिन उनका इस्तीफा है। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। अब क्या हो गया रोशन? मेरी चॉकलेट, मेरे कपड़े, मेरी आइसक्रीम, मेरे जूते, मेरा मेकअप, मेरे केले। मुझे तो अभी वो रेड वाली लिपस्टिक खरीदनी थी। रेड वाली छोड़, मेरे जूते को क्या? और वो वाईफाई, वाईफाई का बिल कैसे जाएगा? लैपटॉप होगा तो वाईफाई चलेगा ना। बहुत अफसोस की बात है, तुम्हें अभी भी अंकल की पड़ी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद अम्मू की इतनी डांटे सुनकर भी। तुम जानती हो रोशाने, इतनी जल्दी कश्माला गिव अप नहीं करती। अब जो भी हो जाए, मैं तुम्हारे स्टूपिड प्लान्स में तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं देने वाली। मैं अम्मू की मजीद डांटे नहीं सुन सकती। जाओ ना करो मदद। सर सुबह से ही आपकी तीसरी कॉफी है। पहले भी पी चुका हूं। खैर वो वैसे समी ऑफिस आ गई होंगी, उन्हें मेरे पास भेजना जरा। सर वो तो नहीं आई, मैंने भी चेक किया था। हाँ लेकिन उनका इस्तीफा है। मिस नाजिश कह रही थी। व्हाट? इस्तीफा है? उसे मेल कर दी। कुरैशी साहब को बुलाओ। जाओ कुरैशी साहब को बुलाओ। जी सर, मेल कर दिए।
तो क्या कॉल करें उन्हें, लाइक करते ना आप, और आई लव यू शाई लव यू बाद के लिए छोड़िएगा। सॉरी मैं इस वक्त बिजी हूँ, अल्लाह हाफिज। भाई अब नौकरी का यहाँ कुछ पता नहीं है कब खत्म हो जाए। अब पाकिस्तान आए तो ठहरे कहाँ, अब्बा जान के मकान पे तो माँ बेटियों ने कब्जा जो करके रखा है। नहीं भाईजान ऐसी तो बात नहीं है। अरे तुम्हारी ठीक ठाक नौकरी है, उससे पैसे जमा करो, और वो औरंगजेब ने जो बच्चों के लिए प्लॉट लेके रखा था ना।